ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज़। ऑलराइट, अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ से पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। एग्जांपल, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं सिंपल सी दैट एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12, और मैं आपसे कहूँगा यार फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप सब कर सकते हो कि आप सबने यहाँ पर 8 को शिफ्ट किया एंड यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 4। राइट, तो अगर हम इक्वल टू के साइन को सॉल्व कर सकते हैं तो हम इनइक्वालिटी के साइन को भी अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी में जो आपका इक्वल टू है ना, ये हट जाएगा, इसकी जगह हमारे पास चार साइंस इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमारी जो इक्वेशन सॉल्विंग इक्वल टू के लिए होती है वही हमारी साइंस के लिए होती है। ये साइन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल्स टू। पहले इन साइंस को समझते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 5, लेकिन जिसकी तरफ इसका मुंह ओपन हो गया ना एक्स की तरफ, तो ये एक्स इज ग्रेटर देन 5 पढ़ा जाएगा। हमेशा इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट रीड करते हैं, कभी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 5 इज लेसर देन एक्स, नहीं, हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार एक्स की वैल्यू 5 से बड़ा है, दैट मीन्स कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और कोई भी नंबर वो जो 5 से बड़ा है, तो इसको हम कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं लिखूं एक्स इज लेसर देन 9, अब एक्स की वैल्यू क्या, देखें ये जो सिंबल है ये एक्स की तरफ इसका मुंह बंद हो गया, तो एक्स की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए। तो 9 से कम वैल्यूज मतलब ये 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और कोई वैल्यू जो 9 से छोटी है। लेकिन अगर लिखा हो आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब इसका मतलब ये हुआ कि x 5 से तो बड़ा है, लेकिन x 5 इंक्लूड कर सकता है, मतलब x के पॉसिबल आंसर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर जो इससे बड़ा हो। इसी तरह अगर लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू 9, तो x 9 से छोटा है लेकिन x 9 भी हो सकता है। तो जब हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए, तो मतलब वो नंबर इंक्लूड है, और जब इक्वल टू का साइन ना हो तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, उसके आगे वाले सारे नंबर्स हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास चार साइंस हैं जिनको अब हम सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में। अच्छा, जितना ये सवाल लिखा था मैंने आपके साथ कि एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 12, तो अगर मैं इसको इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन कर दूँ और मैं कहूँ कि इसको सॉल्व करें, तो हमारा काम वही होगा कि 8 जब वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे एक्स इज ग्रेटर देन 12 माइनस 8 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 4। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7, ये क्वेश्चन आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा 2x लेस देन इक्वल्स टू 7, माइनस 1 वहाँ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, एंड 2x लेस देन इक्वल्स टू 7 प्लस 1, ये आपके पास 8 आ गया, एंड x इज लेसर देन इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज लेसर देन इक्वल्स टू 4, ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी तक आप देखें हमारे पास हर क्वेश्चन में एक x था, एक वेरिएबल था, तो हम उसको आराम से सॉर्ट आउट कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 7x माइनस 2, लेट सपोज कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, जब आपके पास क्वेश्चन में 2x आ जाए, सही ना, 2x आ गए, अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला स्टेप ये है कि आप ये देखें कि आपके पास बड़ा x कौन सा है। ये जो मेरे पास x है दैट इज 2x, राइट, और ये x मेरे पास 7x है, इसका मतलब जो बड़ा वाला x है वो ये है। तो याद रखिएगा, बड़े मूव नहीं करते, हमेशा छोटे मूव करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, 7x अपनी जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ये 2x जब राइट पर जाएगा दैट विल बी माइनस 2x, 5 अपनी जगह पे रहा, और जब हम शिफ्ट करेंगे माइनस 2 को तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर प्लस 2। ये मैंने अपनी इक्वेशन को अरेंज कर लिया। ठीक है, ये साइन एज इट इज रहेगा, 7 माइनस 2x इट्स 5x, 5 प्लस 2 इट्स 7, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 7/5। अब ये लिखा हुआ क्या है, कोई अगर इसको पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, 7/5 ग्रेटर देन x, नहीं, आपने हमेशा इसको पढ़ना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है x, अब x की तरफ इसका मुंह बंद हुआ है, तो x इज लेस देन 7/5, तो इसको हम आसान में ऐसे लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 7/5।
ये दोनों मैंने सेम आंसर लिखे हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट फॉर्म होता है लिखने का वो ये फॉर्म होता है। आप इसको हमेशा पहले एक्स लिखो और फिर आपका साइन और फिर आपका आंसर। तो याद रखें कि जब हमारे पास दो एक्स होते हैं तो हम हमेशा छोटे वाले एक्स को मूव करते हैं, बड़ा एक्स अपनी जगह पे रहता है, सही है ना। इस तरह की एक एग्जांपल और मैं करवाता हूँ अभी आपको। लेट सपोज अब आपके पास आता है 3x-9 <2-x, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आपने देखा मेरे पास क्वेश्चन में दो एक्स हैं, बिल्कुल दो एक्स हैं, लेकिन उन एक्स में छोटा एक्स कौन सा है? तो छोटा वाला एक्स तो मेरे पास -1x होगा क्योंकि वो तो 3x है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जाएगा लेफ्ट साइड पे, इसको शिफ्ट करेंगे तो 3x तो अपनी जगह पे रहेगा। ये -x जब राइट पर लेफ्ट पर आएगा तो दैट विल बी +x हो जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, और जब ये -9 राइट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज़ +9 हो जाएगा। मैंने इक्वेशन को अरेंज कर लिया, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 3x+x क्या हो जाएगा मेरे पास, इट्स वेरी सिंपल, 4x < 9 + 2 = 11 आ जाएगा हमारे पास, और हम कहेंगे कि x < 11/4। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर हो गया, क्लियर रही बात। तो ये तो हमने तब किया बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के, अगर सिंगल एक्स होगा तो कैसे करना है, अगर दो एक्स आ रहेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब लेट सपोज कि कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि लिखा हुआ हो 5-x > 8, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब आप याद रखें कि आपके पास इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त आपका जो वेरिएबल है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी शुरू से यही अप्रोच हो कि मेरा वेरिएबल पॉजिटिव रहे, नंबर नेगेटिव रहे कोई मसला नहीं, वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं स्टार्ट में ही इस एक्स को शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पर ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो साइन अपनी जगह रहा, 8 अपनी जगह रहा, 5 अपनी जगह रहा, लेकिन एक्स जब वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 8 मुझे तो x निकालना है, 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो मैं 8 को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5-8 हो जाएगा, साइन अपनी जगह एज इट इज रहेगा और x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x < 5-8 क्या हो जाएगा, -3। और लिखने का आसान तरीका क्या होता है, x < -3। तो आपको ये साइन पढ़ना आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है भाई, लेस देन लिखा हुआ है, क्योंकि x की तरफ इसका मुंह बंद हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा इट्स x < -3, ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अब लेट सपोज मैं आपसे कहूँ 2x + 1/3 > 7, ये क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे सॉल्व भाई, वही काम करेंगे जो इक्वल टू में करते हैं कि यहाँ से 3 पहले वहाँ शिफ्ट किया आपने, तो ये हो जाएगा 2x + 1 > 7, 3s are 21। अब इक्वेशन की तरह सॉल्व किया आपने, 2x ये 1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 - 1, 2x > 20 और x > 20/2। तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया, x > 10। तो सिंपल, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, आपको ये पता है ना कि प्लस जाके माइनस होगा, माइनस जाके प्लस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो ये चीज़ फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर भी यही सब काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात की है भाई, चले जी। अब और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास 2+x < 4x - 5 < 3x + 8, ये सवाल आ गया, ओए होए मुश्किल सवाल आ गया। तो लेकिन जब आपके पास दो साइन आ जाएंगे ना इनइक्वलिटी के, दो साइन आ गए, तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को आप ब्रेक करेंगे, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई, वो एक पार्ट तो आपका, ओहो ये तो नहीं हो रहा है ऐसे, एक पार्ट आपका जो है वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो आप इसको अलग लिख दो। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2+x < 4x - 5, ये एक पार्ट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा सेंटर और लास्ट वाला, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 4x - 5 < 3x + 8, और अब काम शुरू कर दो कि जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हमारे पास छोटा x कौन सा है, तो छोटा x हमारा ये वाला हो गया, वो तो 4x है, तो आपने छोटे वाले x को शिफ्ट करना है राइट साइड पर, ये साइन एज इट इज रहेगा, 4x अपनी जगह पर रहा, +x उधर आके हो गया -x, यहाँ पर 2 अपनी जगह रहा,
माइनस फाइव को आपने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो टू प्लस फाइव हो जाएगा सेवन, फोर एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स, तो थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये सेवन अपॉन थ्री और ये आ जाएगा एक्स। तो अगर मैं इसको रीड करूँ क्या पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा एक्स ग्रेटर देन, क्योंकि एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, सेवन अपॉन थ्री। ये मेरे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, पहले पार्ट का, ठीक। अब यही चीज़ हम इस वाले पार्ट पे स्टार्ट करेंगे भाई। तो हमारे पास दो एक्स हैं, छोटा एक्स कौन सा है हमारे पास, छोटा एक्स मेरे पास है थ्री एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा एक्स हमारा मूव करेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर एक्स अपनी जगह रहेगा, थ्री एक्स यहाँ आएगा तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, लेस देन एट अपनी जगह, माइनस फाइव वहाँ जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया कि एक्स लेस देन एट प्लस फाइव इज थर्टीन, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब आंसर कैसे लिखेंगे भैया, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये आपको कह रहा है दैट एक्स इज ग्रेटर देन सेवन अपॉन थ्री, और ये आपसे कह रहा है कि एक्स इज लेस देन थर्टीन। तो इन दोनों को हम साथ कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक अपना सॉल्यूशन सेट। ये साइन हमारे, ये जो साइन मैंने बनाए हैं ना, ये हमेशा ऐसे ही आते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ये साइन ऐसे ही रहेगा। अब इसको रीड करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन, तो लेफ्ट साइड पे वो नंबर आएगा जिससे एक्स बड़ा है, तो एक्स हमारे पास किससे बड़ा था, एक्स हमारे पास बड़ा था सेवन अपॉन थ्री से, और एक्स किससे छोटा है, एक्स छोटा है हमारे पास थर्टीन से, सही है ना। ये हमने लिख दिया आंसर। अब पेपर में सवाल एक तरह से और पूछा जा सकता है क्या भाई, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो नंबर होता है जो होल नंबर में हो, जिसमें हम कहते हैं डेसिमल ना है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीजर वो नंबर है जहाँ पर डेसिमल ना हो, नो डेसिमल वैल्यू, ठीक है बेटा। अब आप ये देखें सेवन अपॉन थ्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2.3, तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन उसमें लिखूँ डेसिमल में, तो एक्स की वैल्यू 2.3 से बड़ी है और 13 से छोटी है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप ये देखें कि 2.3 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, 2.3 से बड़ी वैल्यू मेरे पास आती है 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है लेस देन 13 ना हो, 13 से कम हो, और ये कह रहा है जो लेफ्ट था 2.3 से बड़ा हो, तो 2.3 से बड़ा नंबर आ गया पहला, ठीक है, और 13 से छोटा नंबर आ गया। तो ये सारे हमारे पास x के पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हैं। तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना इंटीजर वैल्यूज, तो आपने सारी वैल्यूज को बताना होता है, ठीक है। मैं कुछ पास्ट पेपर का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी होती है, और कोशिश ये करें कि पहले आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें। राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, तो आपका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपका क्वेश्चन है माइनस सिक्स थ्री एक्स एंड लेस देन सिक्स, बेटा ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दो साइन आ गए इनइक्वालिटी के, हमें पता है कि जब दो साइन आते हैं तो हम उनको वन बाय वन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये पहले लिखा हमने माइनस सिक्स लेस देन और ये आ जाएगा थ्री एक्स, और फिर हमने लिखा थ्री एक्स एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी एंड सिक्स, दो दफ़ा लिख दिया। अब दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री साइन ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्स, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू, ये आ गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। और यहाँ पर अगर हम देखें थ्री जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज लेस देन सिक्स ओवर थ्री, सो एक्स इज लेसर देन टू। ये आपके दो आंसर्स आ गए, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स, मतलब आपने सारे आंसर देने। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन के साथ साइन है इक्वल्स टू का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे बड़ा है भाई, माइनस टू से बड़ा है, और किससे छोटा है, टू से छोटा है। अब आप वो सारे नंबर बताओ जो माइनस टू से बड़े हैं और टू से छोटे हैं, और माइनस टू को इंक्लूड करेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है,
तो माइनस टू आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस वन आएगा, बिल्कुल आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, टू नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर है सिर्फ लेस देन टू। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो हम टू भी इंक्लूड करते, लेकिन टू अभी नहीं आएगा और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। सही है? तो दैट इज द वे यू कैन फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन एनी गिवन इंटरवल। अब आखिरी बात इनइक्वालिटीज में, अब क्या चीज रह गई है? अब हमारी रह गई है सिंपल एक नंबर लाइन। नंबर लाइन भी बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक मिनट में समझ में आ जाएगी आपको। देखें, क्योंकि नंबर लाइन है तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक लाइन होगी हमारे पास, ठीक है ना? तो हमने एक लाइन प्लॉट कर दी। उस लाइन में क्या होगा, एक तरफ सारे नेगेटिव होंगे, एक तरफ सारे पॉजिटिव होंगे और बीच में आएगा आपका नंबर ज़ीरो। अब लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार एक्स इज ग्रेटर देन टू, इसको यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले आप अपना नंबर देखोगे, नंबर मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है? नंबर मेरा पॉजिटिव है मतलब इस साइड पे लाई कर रहा होगा, ठीक है? अब नंबर क्या है, नंबर टू है, तो मैंने कहा नंबर टू यहाँ कहीं होगा, कहीं आप रफली कहीं भी बना सकते हो, ठीक है ना? उस टू के ऊपर एक सर्कल बना देंगे हम कि हम रिप्रेजेंट करें कि हमारी वैल्यू यहाँ पर है। अब ये कह रहा है ग्रेटर, टू से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो टू से वैल्यू बड़ी कब होगी? जब हम यहाँ से राइट मूव करेंगे, जितना हम राइट मूव करते रहेंगे टू की एक्स की वैल्यू टू से ज़्यादा होती रहेगी, और जितना लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू टू से कम होती रहेगी। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन टू की नंबर लाइन ये बनी हुई है आपकी स्क्रीन पर, ये लाइन है एक्स इज़ ग्रेटर देन टू। सही है, नंबर लाइन समझ में आया? अब इसको क्वेश्चन में कैसे करते हैं? लेट सपोज आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी है 2x + 5 < 3x, अच्छा 3x नहीं करते इसको, सिंपल x कर लेते हैं, लेस देन एक्स माइनस एट। लेट सपोज कि ये एक आपके पास आ गया और उसने कहा भाई आपने यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हमने सीखा हुआ है ऊपर कि जब हमारे पास 2x होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा छोटा x कौन सा है, तो जो छोटा x होगा वो शिफ्ट करेगा, छोटे हमेशा मूव करते हैं, बड़े मूव नहीं करते। तो 2x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस x इधर आगे हो जाएगा माइनस x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, माइनस एट तो अपनी जगह पर है, प्लस 5 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5। तो 2x माइनस x आ जाएगा, x लेस देन माइनस एट माइनस 5 आ गया -13। ये तो आपकी आ गई सिंपल इनइक्वालिटी। अब बनाना है आपने इसकी नंबर लाइन, तो आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, उसमें एक तरफ आप लिखेंगे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, एक तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और बीच में आ जाएगा आपका ज़ीरो। अब आपने कहाँ जाना है, आपने आपके पास नंबर है -13, इस दफ़ा मेरी रेंज कौन सी हो जाएगी, यहाँ कहीं होगा मैं -13 पर होगा। तो मैंने कहा भाई -13, लेट सपोज कि जहाँ पर नंबर है मेरे पास -13, -13 बनाते ही आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया हमारी वैल्यू यहाँ पर है। अब ये कह रहा है लेसर देन, लेस देन का मतलब क्या हुआ कि मेरी मूवमेंट कहाँ होगी, अब मेरी मूवमेंट इससे लेफ्ट पे मूव करेगा, बस ये मुझे शो करना है, ये इसकी नंबर लाइन है। क्योंकि लेस देन था इसलिए लेफ्ट गया, जब ग्रेटर देन था तो राइट मूव कर रहा था। तो ये हमारे पास सिंपल सी नंबर लाइन होती है। अब आखिरी केस बताऊंगा, अगर क्वेश्चन ऐसा है 5x - 1 > 14, ये केस आ गया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, अब क्या होगा सॉल्व करेंगे। पहले माइनस वन को शिफ्ट किया आपने, ये आ जाएगा 5x > 14 + 1, कितना 14 और प्लस 1 कर दिया तो 5x > 15 आ जाएगा, एक्स 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 15/5 और आप कह सकते हो x > 3। ये आंसर आ गया आपके पास। अब आते हैं भाई इसकी नंबर लाइन पर। नंबर लाइन वैसे बनाने का तरीका, लाइन बनाई आपने, एक तरफ नेगेटिव को लिखना ज़रूरी होता है, ये लिखना ज़रूरी होता है, बीच में लिखना आपका ज़रूरी होता है, ठीक है? अब आपने देखा कि आपका नंबर क्या है, आपका नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ कहीं होऊंगा। वो पॉजिटिव में नंबर क्या है, वो पॉजिटिव में नंबर आपका 3 है। आपने कहा भाई 3 आएगा यहाँ पर, ये आ गया 3, इसके ऊपर बनेगा फौरन एक सर्कल, सर्कल बन गया आपके पास। अब आपने कहा कि मैंने यहाँ से मूवमेंट कहाँ करनी है, मेरी मूवमेंट यहाँ से होगी बेटा राइट साइड पर, तो मैंने यहाँ से जाना है राइट पर बेटा, तो आपने राइट पर ले गए। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो अब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है। जब आपके पास साइन इक्वल टू का होगा ना, तो आपने सर्कल को शेड करना है, बस ये याद रखिएगा, इक्वल टू में आपको सर्कल शेड करना पड़ता है, और जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम उसको शेड नहीं करते।
ये हमारा कॉन्सेप्ट था लीनियर इनइक्वालिटीज का। अगर आप पास्ट प्रिपेयर के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, इससे आउट कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछता है इस पोर्शन के जहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यूज़ को हाईलाइट करना पड़ता है। सो आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि आपको मैं जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।